हेलो गाइस, सो गाइस यार वेलकम बैक। एंड आई नो यार बहुत ज़्यादा लेट हो गई है वीडियो डालने में, एंड मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा यार, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये वीडियो बेसिकली यार एक टाइप का मजाक ही है, क्योंकि बेसिकली मैं एक रैंडम टीम में घुस गया था, जैसे कि मैं मोस्टली रैंडम्स के साथ खेलता हूँ, और इसमें ये बंदे डुओ खेल रहे थे TDM में, और मैं जैसे ऐड हुआ इन दोनों ने एक टीम ज्वाइन कर ली और ये डुओ वर्सेस सोलो हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बंदा साला पीक लेके बैठा हुआ है, जब भी कोई कार 98 से पीक लेता भाई TDM में फट के हाथ में आ जाती ब्रो। तो मैंने चेंज किया एंड मैंने इसको अच्छा खासा शूट दिया, पर जिस तरीके से मैं मरा मुझे श्योर हो गया कि मेरा पिंग बहुत हाई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पिंग अराउंड 300 MS है, तो ये एक तरीके से ऑलरेडी अनफेयर फाइट थी, क्योंकि मेरे पास में मतलब मैं सोलो खेल रहा हूँ एंड ये बंदे डुओ खेल रहे हैं और इनका पिंग भी अच्छा है। तो पर स्टिल मैंने कहा चलो खेल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बंदों को ठरका दिया है अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों साले सो गए हैं। तो अभी तीसरा बंदा पीछे से आ रहा है, मुझे दिख गया था, मैंने इसको दिया। एंड गाइस ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप 1v1 फाइट ले रहे हो तो मोस्टली अगर आप क्लोज में हो तो कोशिश करो बंदे के जस्ट पीछे आ जाओ। मतलब ये थोड़ा वियर्ड है, पर जैसे ही आप मतलब बंदा आप पे चला रहा है, अगर आप एक ज़ायरो यूज़र हो तो आपको बहुत ईजी रहेगा ये करना। जैसे कि अगर कोई भी बंदा आपके पास है, जैसे ये बंदा सामने, तो मैं इसका कुछ नहीं, ये बंदा आप देखना अगले पूरे मैच के अंदर कितनी बार लेटेगा, ये नेक्स्ट लेवल सांप है भाई, नेक्स्ट लेवल। तो इसको मैंने सलडा दिया, इसके बाद इसका दोस्त मुझे दिखा, ये देखो ये फिर सो गया और इस बार ही मुझे ले भी गया सांप बन के। ये मेरे पिंग का भी इशू है मुझे पता है, पर स्टिल ठीक है। तो जैसे कि क्लोज फाइट्स होती है ना, मोस्टली बंदों को ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर क्लोज फाइट वो ले रहे हैं तो उनसे क्या होता है कि सही से मतलब मारा नहीं जाता। जैसे ये बंदा फिर से मुझे ले गया, दिमाग ख़राब कर दिया यार इस बंदे ने सच में। तो इस बार मैं ध्यान रखूँगा थोड़ा कि ये बंदा हमेशा लेटता है। तो इसका बंदा TPP ले रहा था आराम से, पर खैर TPP क्या ही करेगा यार, अब अगर आप ज़ायरो यूज़ कर रहे हो तो। अभी मैं इसके पीछे आया, ये बंदा, अब वो बंदे ने पोजीशन चेंज कर ली अपनी, जो सांप बनता है, और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। अब देखिए मैं इसके पीछे आ गया बंदा, क्योंकि एक बात आप देखिए, अगर आप ज़ायरो यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत एडवांटेज रहता है कि आप इजीली अपना एम पीछे या आगे मूव कर सकते हैं। पर अगर जैसे कि ये बंदे को मैंने मारा, तो ये आई थिंक नॉन ज़ायरो यूज़र होगा, तो ये एम पीछे नहीं कर पाया जल्दी से, और मैं इसके पीछे, ये बंदा फिर ले लिया, पर इस बार मैं रेडी था। तो बंदा पीछे जल्दी से एम नहीं कर पाता, और उस वजह से क्या होता है कि आपको एडवांटेज मिलता है। अब देखिए ये फिर लेट गया, मैं इसके पीछे आ गया। ये ट्रस्ट मी गाइड, ये बहुत अच्छी ट्रिक है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ इस ट्रिक को, जब भी 1v1 या 1v2 टाइप सिचुएशंस होती है तो बहुत काम आती है। ये बंदा सच में साला नेक्स्ट लेवल ही सांप है भाई, अगर ये गेम में इतनी बार लेटता है तो सोच क्लासिक में क्या हाल होगा इस भाई का। तो एक्चुअली मैं गोलियाँ वेस्ट कर दी इस पर, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा हुआ था, और इसके बंदे को मैंने काफ़ी शॉट्स दिए पर वो बच गया, पर खैर उसको मैंने डैमेज दे दिया था अच्छा खासा। तो अभी आप देख रहे हैं स्कोर है 40-3, जो कि आपको बताइए। अब मैंने यहाँ पर दिए भाई, फिर लेट गया, पर मैं इसको ले गया स्टिल, क्योंकि अब मुझे पता चल गया इसको कैसे हैंडल करना है। ये भाई बहुत ज़्यादा लेटता है, और लेटने से माना कि एडवांटेज मिलता है आपको, पर एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आप मूव नहीं कर सकते। तो खैर वो डिसएडवांटेज इसको शायद लगता नहीं होगा, इसलिए बार बार लेट रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 15-5 अभी हमारा स्कोर चल रहा है, एंड ये टोटली रैंडम बंदे, मैं इनको जानता भी नहीं, और ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनेट करें मुझे, मुझे हर साइड से पड़ रही है। एंड ये तो खैर 1 HP था मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बंदे मतलब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि बस धर लें मुझे अच्छे तरीके से, पर इनसे हो नहीं पा रहा है, तो ये लगे पड़े हैं बस। एंड अभी देखिए आराम से बैठा हुआ था, एंड ये चीज़ है ना गाइस, ये जो आपने अभी देखा कि गोलियाँ वो अंदर कवर में चला गया एंड स्टिल वो मर गया, ये पता नहीं पब्जी किस हिसाब से रजिस्टर करता है। एंड ये वाली ट्रिक इसके बंदे ने भी ट्राई की अभी जस्ट, कि वो भी चलते चलते सांप बन गया। ड्रॉप शॉट्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में बहुत सारे लोग, पर मैं इसे देसी लैंग्वेज में सांप ही बोलता हूँ, क्योंकि ये साले सब बोले ही और कुछ नहीं। अब जैसे मैं इसके फिर पीछे आ गया गाइस, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, अगर आप इसे मास्टर कर लो तो आप 1v1 फाइट में आपके चांसेस अराउंड बहुत बढ़ जाते हैं कि आप 1v1 निकाल लोगे इजीली। तो
अगर आप मतलब जितना क्लोज रख सकते हो इस फाइट को उतना क्लोज रखो ताकि आपको एडवांटेज रहेगा कि आप उस बंदे के जस्ट पीछे आ सकते हो, मतलब काइंड ऑफ पीछे से मार ली उसकी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं दे रहा हूँ, पर ये राइट में बंदा है इसका एंड वो भी पीक ले रहा था, मेरे को बाद में देखा क्योंकि मैं क्या दोनों साइड से घिरा हुआ हूँ और ये फिर से सांप बन गया। पता नहीं इन बंदों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये लेट के मारेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली मुझे अब ले जाएंगे, क्योंकि एक डिसएडवांटेज तो इनके पास रहेगा ही कि ये मूव नहीं कर पाएंगे फास्ट, जबकि मैं जस्ट इसके फिर पीछे आ गया। आप देख रहे हैं कैसे इससे आपके एक तो शॉट्स बहुत ईजी कनेक्ट होंगे और पीछे से आप जब मारोगे तो बंदे को टाइम नहीं मिलेगा, आप उसके शॉट्स अवॉइड कर लोगे, तो बहुत एडवांटेज रहेगा आप इस चीज़ का। तो अभी स्कोर 21 चल रहा है एंड उन लोगों ने जो 8 बार मारा है, खैर मेरा एमएस भी बहुत हाई है, बस चल ठीक है देखते हैं। तो ये बंदे अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से रोटेशन ले रहे हैं, ये फिर से मेरे सामने आ गया एंड पूरी कोशिश कर रहा है, ये पक्का नॉन जायरो यूज़र है, इसके मूवमेंट से दिख रहा है। एंड अगर आप भी अपने गेम प्ले को यार अच्छा करना चाहते हो तो बेस्ट सजेशन ये है कि आप ऑलवेज ऑन जायरो पर खेलना स्टार्ट कर दो। वियर्ड लगेगा स्टार्टिंग में आई नो, बट आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, मतलब ट्रस्ट मी। अब जैसे ये बंदा है, ये पता नहीं हवा में किस पे एम ले रहा था, तो अभी आप देख रहे हैं जायरो की वजह से क्या होता है कि एम असिस्ट को आप इजीली एस्केप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मार रहा हूँ तो मैं साथ साथ में राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि जो एम असिस्ट लगता है पबजी मोबाइल में वो सही से काम नहीं कर रहा। ये शॉट इस बंदे ने बड़ा सही दिया था, उछल के ये बाद में भी यही शॉट्स ट्राई करेगा, पर खैर मेरे को एक बार मर गया तो मैं अब ध्यान रखूंगा आगे से। तो अभी देखते हैं गाइस। ओके ये दोनों एक जैसे एक जगह आ गए, मुझे पता नहीं था कि लेफ्ट में भी ये बंदा आ गया। तो अभी अपन देखते हैं कि कितना स्कोर पहुंचा सकता हूँ मैं। वैसे मैंने पूरा ट्राई करूँगा कि ये मैच अराउंड मतलब 40 किल्स के साथ ख़त्म करूँ, ना कि बीच में ऐसे ही कि मैं उसकी वजह से जीत जाऊँ कि मेरा स्कोर ज़्यादा है, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा है। तो अभी मैं जैसे इसके पीछे आ गया इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि थोड़ा पीछे ही था इसका एंड मैं सोच रहा था कि पीछे देखूं, पर खैर ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों, आप देखें क्योंकि ये जो TDM के मैच होते हैं ये 10 मिनट मैच होता है और 10 मिनट में तो ये ख़त्म होगा ही होगा, अगर आप नहीं करते तो मैच ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, जिसका ज़्यादा किल्स होंगे वो बंदा जीत जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार इनको मारने, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है इन्होंने, हर साइड से ये वाला वैसा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं M249 इसमें बहुत OP है, अगर आप इस मोड में खेल रहे हैं तो आपको Kar98 एंड M249 बहुत ज़्यादा बढ़िया चलेगी इस मोड में। और ये बंदा कूद के हवा में आया, इसने भी कोशिश की, पर खैर सांप के आगे हम कुछ नहीं कर सकते यार। यार मैंने बहुत बार ट्राई किया है ये शॉट लेने का, पर पता नहीं मुझसे होता है नहीं, क्योंकि मैं मतलब मूव करके मारने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, और ये मैंने बहुत गलत चीज़ की क्योंकि इस बंदे को पूरा एम मिल गया, पर M249 थी यार भाई, इसके पास कुछ नहीं कर सकता था एंड 1 HP था मैं वैसे भी। तो अभी इन्होंने स्कोर थोड़ा सा ऊपर किया है, 13 तक ले आए हैं, पर मुझे इनके लोकेशन पता है कि नहीं, कहाँ छुपे और पता नहीं यार फिर से लेट गया है। तो अभी ये लीड ले रहे हैं धीरे धीरे, पर खैर रोकना तो पड़ेगा इन्हें। तो अभी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने वाला हूँ ताकि इनके ऊपर थोड़ा फुल स्टॉप लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार रहे हैं मुझे अच्छे तरीके से। भाई M249 वाला फिर लेट गया यार, ये बंदा पूरे मैच में ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 बार मारा है इसने एंड हर टाइम ये लेट के ही मार रहा था मुझे। तो यार ये चीज़ थोड़ी सी मुझे भी ध्यान रखनी पड़ेगी क्लासिक मैचेस में, अगर ऐसे बंदों से सामना हो तो। देखिए ये फिर से ले गया M249, यार बहुत OP गन है इसमें। तो अभी मैंने ऊपर टाइमर देखा कि यार 1 मिनट ही बचा ऑलमोस्ट एंड मुझे अभी भी 10 किल्स करने हैं, क्योंकि मेरा MS बहुत ज़्यादा हाई था तो मैं कंटिन्यूसली इनकी जो फायर रेंज के बीच में रहना अवॉइड ही करना चाह रहा था ताकि मुझे शॉट्स ना लगे। देख रहे हैं यार क्या ही पंगा ये साला इधर से उधर हो रहा है एंड दोनों साइड में शॉट्स पड़ रहे हैं, पर ठीक है मैंने उसका वेट किया। गाइस स्टेडियम में अपन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपन वेट नहीं करते कि बंदा फायर करना कब स्टॉप करता है। मोस्टली मैं भी यही चीज़ करता था कि उसके फायर रेंज में आ जाता था, ऐसे लगता था कि मैं मार दूँ उससे पहले, पर वो ऑलरेडी फायरिंग कर रहा है तो आप नहीं मार सकते उसे। तो अभी यार 32 का पहुँचा दिया है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 33 हो गए हैं एंड
बस वही वाले ट्रिगर अपन पीछे आ जाते हैं बंदे के, बहुत ओपी ट्रिगर काम करती है हर बार। एंड वो बंदा सेम वही शॉट लेना चाह रहा था जो उसने पहले मुझे लिया था, पर इस बार मैं रेडी था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो 35 किल्स हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली टाइमर 18 सेकेंड है मेरे पास में और बंदे भी मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो गाइज यार इस मैच में तो मैं 36 ही किल कर पाऊँगा, एक बार और सर पड़ गया मैं, ठीक है। तो गाइज यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यार मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा रेगुलर रह पाऊँ। एंड अगर आपको वो वीडियोज़ पसंद आ रही हो, गेम प्ले अच्छा लग रहा हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि यार यूट्यूब पर स्टार्टिंग थोड़ी सी हार्ड रहती है।